आज का प्रेरणा पाते, अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कार्मण शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है, वो राग द्वेष है, वो कषाय है और वह ज्ञान है, वो दुख का कारण है। ये आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ होता है और यही आत्मा को भव भवांतर के अंदर जो है घुमाता रहता है। इसके अंदर 8 जो है वो मूल कर्म होते हैं, 148 जो है कर्म प्रकृतियां होती है। जितनी जितनी दबी हुई इच्छाएं हैं वो अचेतन मन के अंदर रहती है और अचेतन मन है उदय और प्रारब्ध के अधीन है। जैसा जैसा उदय आता है तो वैसे वैसे कर्म जो है वो, जैसा कि हमने बताया कि 8 मूल कर्म और 148 प्रकृतियां वो उदय के अंदर आती रहती है और अचेतन मन के साथ के अंदर जो है वो एक पूरा जो है उसके साथ के अंदर जुड़ा हुआ अध्यवसाय होता है। ये अध्यवसाय हर प्राणी के होता है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के बीच के अंदर, क्योंकि मन तो जो है वो पंचेंद्रिय प्राणियों के अंदर ही होता है और लेकिन अध्यवसाय हर तरह के प्राणी के भीतर होता है। अध्यवसाय के अनुसार वो सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, कर्मों का बंधन करते हैं। तो ये जो है हमारा जो अचेतन मन है और ये जो है वो उदय छोड़ता रहता है, उदय जो है यहाँ से अध्यवसाय से पार होकर के और वो विदाउट कलर की लेशियाएँ आगे जाकर के अवचेतन मन के अंदर जो है कलर्ड लेशियाँ बन जाती है। लेकिन सारी गंगोत्री है वो अचेतन मन है, जो अपने शिव जी की जटा में से जो गंगा निकली है तो वो सारा जो है अचेतन मन के भीतर है। कर्मों का पुलिंदा वो आगे से आगे बढ़ता रहता है और जो कर्म जो है वो उदय में आते रहते हैं।